नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, पोलन एग्रो मिनरल, बरोड़ा, गुजरात। आज यहाँ पे मैं जो छोटे पौधे हैं और बड़े पौधे हैं, छोटे पौधे को बड़े पौधे के साथ आपको बड़ा करना है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं अनिल, पोलन एग्रो से, बरोड़ा इस एरिया से। आज ये जो छोटे पौधे आप देख रहे हैं, ये छोटे पौधे जहाँ पे आप जिस दिन लगाते हो पौधे, तो उस समय क्या होता है कि कोई छोटे पौधे को खुराक नहीं मिलता है, वहाँ पे ग्रोथ उसकी रुक जाती है। कुछ बड़े पौधे ऐसे हो जाते हैं तो समस्याएं काफ़ी होती है, छोटे पौधे हो जाते हैं तो अप एंड डाउन पौधा हो जाता है। इसमें जो छोटा पौधा है उसके लिए क्या करना है, अब ये बड़ा पौधा देख सकते हो आप, और यहाँ पे ये छोटा पौधा है, तो ये छोटा पौधे के लिए इसका जो ग्रोथ करना है उसमें हम ट्रीटमेंट दो बार बुंगरी करना है, यानी पोंगा भरनी करना है, 15-15 दिन के हिसाब से दो बार लेना है। यानी आज अगर दे दिया एक बार पोंगा भरने, वही 10 दिन के बाद अपने को दूसरा पोंगा भरनी करना है, और नीचे से खुराक जो देना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी जैसे आपको ऐसे बड़े पौधे हो गए और ऐसे छोटे पौधे, ये छोटे पौधे में आपको क्या करना है, जो पोंगा भरनी मैं बोलता हूँ, अगर आपके अपने लगाए हैं 5,000 पौधा, तो 1,000 पौधा लगाए उसमें से 250 प्लांट अगर आपके छोटे हैं, तो ये छोटे पौधे को बड़ा करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, उसमें ट्रीटमेंट ये लेना है कि कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप 100 लीटर का प्रमाण बना रहे हो, बैरल का अथवा पंप से बना रहे हो, 100 लीटर का प्रमाण बनाइए, एक बैरल लीजिए 100 लीटर का, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट लीजिए 1 किलो, उसमें आइडोल 250 ml दीजिए और न्यूट्रीपॉल FF 500 ml लीजिए, 200 ml प्रति पौधा 10-10 दिन के हिसाब से दो बार लीजिए, यानी 20 दिन में दो बार पोंगा भरनी करना है, और नीचे से 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट और यूरिया 25 ग्राम जिस समय अगर बारिश होती हो उस समय अमोनियम सल्फेट लेना है, अथवा जिस समय गर्मी है उस समय 24-24-0 50 ग्राम और यूरिया 25 ग्राम, इसका दोनों तरफ से रिंग लगा देना है नीचे, और स्प्रे में 19-19-19 80 ग्राम मैग्नीशियम 50 ग्राम, न्यूट्रीबॉल FF 20 ml, प्रोजीबीजी 0.5 ग्राम, इसमें ये 15 लीटर प्रमाण के हिसाब से इसमें स्प्रे करना है। इतना आप अगर ये ट्रीटमेंट करोगे तो ये जो छोटे पौधे हैं वो पौधे बड़े पौधे के समान आ जाएगा, यानी 50% उसके पास उसका जो ग्रोथ है वो हो जाएगा। ओवरऑल प्लॉट की, क्योंकि ये ऐसे प्लॉट है इसमें काफ़ी पौधे छोटे हैं और कुछ बड़े पौधे हैं, तो एक समान पौधे करने के लिए, यानी ये प्लांट को एक समान ग्रोथ हाइट करने के लिए ये ट्रीटमेंट आपको करना ज़रूरी है। धन्यवाद।